हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? सब तो आज हम एक नया वीडियो लाए हैं। बहुत दिन बाद एक वीडियो लाए हम। तो पहले जो जो मेरे चैनल में नए हैं, वो पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा, क्योंकि अभी भी मोनिटाइजेशन के लिए 1000 सब्सक्राइबर लगेगा। मेरा जस्ट 670 सब्सक्राइबर है एंड वॉच टाइम भी लगेगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। और मेरा एक फेसबुक पेज है, वहाँ पे फेसबुक पेज है, अब देख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, मेरा ओनली फॉर डिजाइन की तरफ से एक फेसबुक पेज है, ये भी मुझे लाइक चाहिए। यहाँ पे ज्यादा लाइक नहीं है, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ हम वीडियो देते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन करे तो उसका आंसर भी हम दे देते हैं। आप भी कुछ पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, आपका आपका जो आप क्रिएट किए हो वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। आप कुछ नया वेबसाइट या कुछ टेम्पलेट जो क्रिएट किए हो वो यहाँ पे प्लीज पोस्ट कीजिए। प्लीज लाइक कीजिए मेरा फेसबुक पेज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या करेंगे? आज करेंगे एक नया चीज ऐसा फुल स्क्रीन स्क्रॉल वेबसाइट। फुल स्क्रीन स्क्रॉल वेबसाइट हम कैसे बनाएं? हम फुल बना नहीं पाए, मेरे पास टाइम नहीं था। तो एग्जांपल के लिए जस्ट ये सेक्शन, तीन सेक्शन हम बनाए, ये बैनर सेक्शन, ये अबाउट सेक्शन एंड दिस सर्विस सेक्शन, ये तीन सेक्शन बनाए। आपको दिखाना चाहिए ना कैसे हम बना सकते, कैसा होगा, इसलिए हम तीन सेक्शन बनाए। ये मेनू देखिए ऐसे, ठीक है? तो हम ये किसके साथ बनाएंगे? ये वेबसाइट है, ये देख सकते हैं, फुल स्क्रीन क्रिएट ब्यूटीफुल फुल स्क्रीन स्क्रॉल वेबसाइट। यहाँ पे आपको ये देगा, सोर्स कोड देगा, डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके उसको मॉडिफाई कीजिए। तो हमने डाउनलोड किया, डाउनलोड करके ऐसा आया, ठीक है? ये लिंक आपको नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, अब देख लेना। एग्जाम्पल पे जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारा है, आप देख सकते हैं। मेरा नेट थोड़ा स्लो है इसलिए ऐसा आ रहा है। अब देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। हाँ, तो क्योंकि अब हम एक एक करके देखेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत सारा एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज। तो ये हमारा ये, तो हम क्या करते हैं, हम जो बनाए थे इससे हम थोड़ा इमेज ले लेते हैं। जो इमेज हम लिए थे वो इमेजेस हम ले लेते हैं, क्योंकि इमेज में बहुत टाइम लगता है काटने पे। तो हमने इमेज ले लिया, ये मेरा फाइल है, इसके अंदर हम पहले से ही पेस्ट करके रखे थे, ठीक है? तो चलिए हम ये फाइल है, फाइल को हम लेते हैं यार, पीएचडी देखते हैं, पीएचडी, ये पीएचडी, ठीक है? ये मेरे पास है, हम सोर्स कोड और पीएचडी हम दे देंगे, अवेलेबल कर देंगे डिस्क्रिप्शन पे, अब डाउनलोड कर लेना। तो देखिए आज तो फुल, आज पहला वीडियो है, ये पीएचडी में पहला वीडियो है। हाँ, देखिए मेरा वेबसाइट में हम एक एक पीएचडी पे तीन चार वीडियो बनाते हैं, अब देख लेना। एक एक ये देखिए, एक वीडियो एक पीएचडी फर्स्ट पार्ट है, देन ये, देन सेकेंड पार्ट, उसके बाद ही आएगा सेकेंड पार्ट, ये है एंड थर्ड लास्ट पार्ट है। तीन वीडियो बनाए थे, ठीक है? एक एक पीएचडी पे हम तीन चार वीडियो बनाते हैं। देखिए एक फर्स्ट पार्ट है, देन सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फोर्थ पार्ट, चार पार्ट है। एक एक करके हम वीडियो बनाते हैं। हम इसका तो हम पहले एक फर्स्ट पार्ट आज बना रहे हैं, तो बहुत बातें कर लिए आज, अब स्टार्ट कर रहे हैं। 4 मिनट हो गया बात, तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हमें क्या चाहिए? पहले हमको चाहिए ये बैनर, बैकग्राउंड बैनर देंगे हम पहले, ठीक है? तो हम बैनर देंगे पहले, पहला सेक्शन ये वाला है, पहला सेक्शन। तो हम एक काम कर रहे हैं,
सेक्शन वन, यहाँ पे आप एक सेक्शन वन सेक्शन लिखा हुआ है, उसके बाद भी एक क्लास ले लिया एक्स्ट्रा, सेक्शन वन सेक्शन टू सेक्शन थ्री एंड सेक्शन फोर। ओके, तो सेक्शन वन को हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे उसका वैल्यू लिखेंगे स्टाइल में। तो स्टाइल पहले बैकग्राउंड यूआरएल इमेजेस के अंदर है, जिसके अंदर फर्स्ट फर्स्ट इमेज हमारा बीजी वन, फर्स्ट इमेज बीजी वन बीजी वन डॉट जीपीजी देख सकते हैं। देन बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, ओके मैसेज दे दिया, पहले रिफ्रेश कर रहे हैं एक बार देखते क्या आता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे आ गया हमारा इमेज आ गया। तो आप क्या करेंगे, हमारा तो इमेज आ गया, जो इमेज ये आ गया, उसके बाद हम करेंगे ये जो लोगो है जो आइकॉन से ये बिठाएंगे। तो हमको क्या करना है, पहले हमको जाएंगे गूगल, हमें बूस्ट अप फोर यूज कर लेते, चेक कर लेते बूस्ट अप फोर और बूस्ट अप थ्री, बूस्ट अप फोर है, ये बूस्ट अप फोर, ये देखिए यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, बूस्ट अप फोर का लिंक किया हुआ है, आउल क्राउजर लिंक किया हुआ है ना, आउल क्राउजर ये फॉन्ट ऑसम सॉरी ये फॉन्ट ऑसम लिंक किया हुआ है, गूगल फॉन्ट है एंड इस पेज इज कॉल्ड सी एस एस है एंड स्टाइल शीट है, ज्यादा कुछ नहीं है, हम ये दे देंगे आपको फाइल चेक कर लीजिएगा। तो पुस्ट स्टेप फोर नेबर, बूस्ट अप फोर का नैप बार यूज करेंगे हम, ये वाला हम कॉपी कर लेते हैं यहां से कॉपी एंड फुल स्क्रीन के पहले हम यहाँ पे एक सेक्शन लिखेंगे मेन मेन डी एलएस मेन, ओके आईडी देते हैं इसको मेनू नहीं आईडी आईडी मेनू, ओके इसके अंदर हम पेस्ट कर रहे हैं, पेस्ट कर दिया पेस्ट कर दिया इसके अंदर रीलोड, तो ये आ गया मेरा मेनू, ठीक है। तो इसको क्या करना है, हमको कंटेनर के अंदर लेना है पहला काज, तो हम इसको कंटेनर के अंदर लेंगे, कंटेनर कहाँ लिखेंगे ब्रांड नेबर, तो इसको कॉपी करेंगे कट करेंगे क्लास देन डी दो सॉरी क्लास कंटेनर देन पेस्ट, ये मेरा हो गया। तो हमको इतना कुछ नहीं चाहिए, अब देखते कंटेनर ले लिया कि नहीं, रिफ्रेश हाँ ले लिया। तो बैकग्राउंड में कलर आ रहा था, फर्स्ट ऑफ फोर में जस्ट नेबल लाइट ना बीजी लाइट, बीजी लाइट को हम कट करेंगे एंड सेव, अभी देखेंगे नहीं है, ओके तो नेबल लाइट को एक बार कट कर लेते देखते हैं। अभी ये आ गया,
बैकग्रेड का ये कलर हैंड का, क्योंकि ये इसके ऊपर ले रहा है इसलिए, तो हमको क्या चाहिए इसके ऊपर चाहिए। तो पहले हम मेनू सेट कर लेते पहले, ठीक है। हम होम उसको हम इस साइड देंगे और बाकी सब रिमूव कर देंगे, ओनली होम को रखेंगे पहले। होम लिंक, ये दो तो लिंक रखते हैं पहले, उसके बाद हम सब डिलीट करते हैं। ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, सब नहीं चाहिए, फॉर्म भी नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे यूएल हम डिलीट कर दिया। ओके okay। तो ये हमारा हो गया। अभी यहाँ पे हम लोगो बैठा देते हैं, हमारा लोगो। इमेज के अंदर एंड ऑल टैग देना पड़ता है। ये लोगो आ गया हमारा, एंड ये दोनों हमको देना है राइट साइड में, क्योंकि यहाँ पे देखिए राइट में आइकॉन्स है, तो ये हमको देना है राइट साइड में, ठीक है। तो हमको राइट में देंगे, यहाँ पे मार्जिन राइट ऑटो, हम यहाँ पे जस्ट देंगे मार्जिन लेफ्ट ऑटो। अब देख सकते हैं राइट साइड में चला गया हमारा, राइट साइड में आ गया। तो ये हमारा हो गया। पहले हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको स्प्लिट करेंगे, इसका पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे, नैब मेनू, जो मेनू है को पोजीशन एब्सोल्यूट जेड इंडेक्स 9 विथ 100%। हाँ, अब देख सकते हैं ये आ गया हमारे ऊपर, ठीक है। हम इसको कॉपी करेंगे, सीएसएस में जाएंगे, आईडी मेनू, जो मेनू हम सबसे ऊपर लिखेंगे आईडी, आईडी को ऐसे लिखा जाता है हैशटैग से, मेनू देन पेस्ट। हम यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देन रीलोड। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, जो बैकग्राउंड था मेनू का बैकग्राउंड वो चला गया, ठीक है। और ये स्टिकी भी हो गया यहाँ पे, जैसे स्टिकी है देख सकते हैं यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ पे भी वो फिक्स्ड चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पे फिक्स्ड है, तो हमको भी ऐसा फिक्स्ड मेनू चाहिए, तो यहाँ पे भी फिक्स्ड हो गया। तो हो गया मेनू मेरा, पीएचडी में जाते हैं तो यहाँ पे मेनू हो गया। यहाँ पे तीन ऑप्शन है, पहला सर्च बार, देन ईएनजी इन इंग्लिश एंड एआर, देन एक मेनू का आइकन, ठीक है। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे, सॉरी एक्टिव 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 को हम यहाँ पे, यहाँ से एक्टिव को इसमें नहीं, एक्टिव को हम सेकेंड वाला में दे रहे हैं, ठीक है। एक्टिव ये वाला हम शो करेंगे, इंग्लिश को शो करेंगे, पहले पहला वाला को हम देंगे सर्च बार, होम नहीं, हाँ उसमें हम आइकन देंगे सर्च बार का आइकन, तो जाएंगे गूगल फॉन्ट और सम, फॉन्ट ऑसम 4 का आइकन, यहाँ पे लेंगे सर्च आइकन, कॉपी आप पेस्ट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट वाला सर्च आइकन हो गया, देन सेकंड वाला ई एन जी एंड, और एक कॉपी करेंगे, देन उसको ए एक्टिव को हटाएंगे हम, पहले एक्टिव एक ही चाहिए, एक ही रहेगा एक्टिव, उसके बाद ए आर
ठीक है, एंड यहाँ पे रिफ्रेश दीजिए, देख सकते हैं तो ये हमारा आ गया। तो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये जो अब देख रहे हैं इस पे बहुत गैप आ रहा है, तो हमको थोड़ा ये ऊपर चाहिए। देखिए नहीं ठीक ही है, ठीक ही लग रहा है, ठीक है हम थोड़ा ऊपर कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं है। और एक बार चाहिए, आइकन बार, ठीक है, जिस पे क्लिक करने से मेनू आएगा, तो आइकन बार यहाँ पे बार, तो हम जाएंगे जा रहे सर्च पे बार। ये आइकन बार का कॉपी एंड पेस्ट है, तो हमारा तीनों आ गया, तीन आ गया। तो पैर सबको व्हाइट चाहिए एंड एक्टिव को रेड, ओके। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं मेनू टैग, पहले बैठा देता हूँ मेनू लाइट नंबर हाइट, ठीक है पहले हाइट, सब हाइट है एंड जो एक्टिव है अंदर कॉपी देन एक्टिव नैप लिंक, नैप लिंक कहाँ का है, नैप आइटम तो पहले बार फेगा लिंक के पहले, कलर रेड, ये पूरा रेड नहीं है, पहले हम देख के पूरा रेड नहीं है, हाँ आ गया, लेकिन ये पूरा रेड नहीं है कलर, ये कलर है। तो हम इसको कलर कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, कोड कॉपी पेस्ट, ओके। तो मेरा 17 मिनट हो गया, इसमें इतना तक इसको थोड़ा ऊपर बना देंगे, ठीक ही लग रहा है मेरे तरफ से, ठीक है। अब अभी तो चल ऐसे करते, उसके बाद हम एक लेंगे मेनू, ठीक है मेनू लेंगे, हम गूगल पे जाएंगे, आइकन लाएगा बहुत आइकन का छोड़ देते, गूगल पे जाएंगे, ईमेल साइड साइड बार मेनू, यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा मेनू होगा, हमें ये मेनू यूज किया है, वहां पे देख सकते हैं ये वाला, ऐसे हम यूज कर सकते हैं, तो ये वाला हम ऐसे, बहुत सारा मेनू है हमारा, वहां पे ये वाला यूज किया हुआ है, देखिए हम क्लिक करेंगे तो ये वाला यूज किया है, ठीक है। तो हम लास्ट वाला यूज करेंगे, लास्ट वाला ही बहुत अच्छा है, तो लास्ट वाला साइड नैप फुल विड्थ, हाँ दो तीन कहाँ गया, कहाँ गया
देना, हम इसको कॉपी कर रहे हैं पहले, कॉपी मेनू नैब, नैब के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट, पेस्ट यहाँ पे, एंड ओपन। तो इसको ऑन क्लिक यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हमको इसको लास्ट में देना, बार पे थे तो बार पे यहाँ पे दे दिया, ऑन क्लिक दे दिया। एंड इसका जे क्वेरी चाहिए, इसका नैब स्टाइल भी ले लिया, स्टाइल स्टाइल हम यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं, स्टाइल आ गया। एंड जे क्वेरी ओवर ले एग्जाम्पल राइट पुश देखे फूल ये वाला। तो इसका जेक्वेरी हम इसके नीचे लिख लेते हैं, मुझे लगता है ये पहले से लिखा था, हम पहले से लिख के रखे हैं। तो ये वाला जेक्वेरी हम यहाँ पे दे देंगे, तो ऐसे आ जाएगा हमारा। हाँ कॉपी, हाँ अब देख सकते हैं आ गया। तो अब बाद में इसको हम इसको सेंटर में दे दिया, ये सब करने में टाइम है, इजी है, जस्ट सेंटर देखिए जो हम सेंटर में दे दिया। तो आप ही कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी करने जाएंगे वो टाइम लगेगा, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे तो ये मेरा हो गया। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्लाइडर लगाएंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक स्लाइडर लगा हुआ है, स्लाइडर लगा हुआ है। तो हम एक स्लाइडर लगाएंगे यहाँ पे। तो जा रहे हैं, मेरा मेनू हो गया, अभी यहाँ पे जाएंगे। देन डीव क्लास कंटेनर, कंटेनर देन हमको क्या करना है, स्लाइडर लगाना है, आउल क्राउजर लगाना है। ठीक है, तो आउल क्राउजर हम यहाँ पे रखा हुआ है मेरा कोड, यहाँ से कॉपी एंड जो जो लिंक था सब लिंक किया है, सब प्रॉब्लम नहीं है, लिंक किया हुआ है किया। ठीक है, कॉपी एंड हम यहाँ पे सॉरी यहाँ पे रिफ्रेश देख सकते हैं, एक एक करके आ रहा है। स्लाइडर जेक्वेरी पे जाएंगे हम, एक स्लाइडर आउल क्राउजल को लेके हम तीन चार आउल क्राउजल बना सकते हैं। देखिए सेक्शन वन, हमको यहाँ पे इसका पहले से कोड रेडी किया रखे, रेडी करके रखे है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, ज़्यादा कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट करके जस्ट नंबर चेंज करना है। स्लाइड सेक्शन वन के लिए ये वाला देखिए, सेक्शन वन ये क्लास हम जस्ट इसका पहले लगा दिए सेक्शन वन, एंड सब में हम एक एक करके चाहिए, एक एक करके। ठीक है, तो ये हम दे देंगे, आप देख लीजिएगा। ऐसे सेक्शन थ्री के लिए हमें चार चाहिए, चार छोटा 600 मतलब 600 स्क्रीन में एक चाहिए, एंड एकदम छोटा में एक चाहिए, ऐसे ऐसे करके रखे हैं। तो सेक्शन वन में हम ये आ गया मुझका, एक को पहले हम कॉपी करेंगे, एक को लेंगे एक अंदर, हमने ये करना है स्टाइलिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है देख लेते हैं, यहाँ से हम कर लेंगे। H1 नहीं H2 पे देंगे, H2 पे हम पेस्ट दे दिया। एंड अभी सेक्शन वन H2
स्टाइलिंग करेंगे। सेक्शन वन एच टू उसको स्टाइलिंग करेंगे। सॉरी सॉरी, ये बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, जाएंगे इतना तक लेंगे, उसको वीक देना पड़ेगा मुझे, ज़्यादा कुछ नहीं, इसको वीक देना पड़ेगा। पहले हम क्या करेंगे, इसको कंटेनर, उसके अंदर एक कंटेंट बोल के एक फोल्डर लेंगे, दीव क्लास कंटेंट, कंटेंट बोल के फोल्डर ले लिया, देन पेस्ट, ठीक है। कंटेंट बोले फोल्डर लिया, जो कंटेंट जो है हमको वीक देना पड़ेगा, कंटेंट को जो कंटेंट है इसका वीक देंगे हम, वीक 40%। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज पिक्सल, कलर हाइट अभी थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे। सिक्सटी कर देते इसको, ना तक आएगा सिक्सटी। सिक्सटी कर दिया, ठीक है। एंड फॉन्ट साइज और बढ़ाएंगे हम, वील्ड था ऐसे, उसको नीचे लाना पड़ेगा, उसको नीचे लाना पड़ेगा। हाँ आ गया 80, ठीक है। फॉन्ट टेक्स्ट है फॉन्ट, फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट साइज छोटा कर दिया थोड़ा, इतना ठीक है। ना ठीक है, ठीक है। फिर इसको कॉपी, पेस्ट, ठीक है। बार बार बैकग्राउंड में कलर आ रहा है, इसके लिए हम हाँ यहाँ पे एक जेक्वेरी का कोड है, कोड को हटा दे रहे हैं। यहाँ पे कोड है, सेक्शन कलर के लिए कोड लिखे थे, देखिए जितने सेक्शन कलर के लिए कोड लिखे रखे, तो हम इसको हटा देते हैं। हाँ ये कोड नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको चार्ट तो देंगे, कितना है, तीन है यहाँ पे, सॉरी एक दो तीन, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक दो तीन, तीन तो लाइन है, तो हमको तीन देना है, ठीक है। तो इसको कॉपी करेंगे, आइटम को कॉपी, तीन आइटम में कॉपी, पेस्ट, तीन को कॉपी कर दिया एंड रिलोड। आ गया, देखिए। तो हमको ये वाला नहीं चाहिए, राइट लेफ्ट का नैब नहीं चाहिए, ठीक है। इसको हम ये कर देंगे, डिस्प्ले नन कर देंगे। आउल नेम,
इसके अंदर दे देते पहले, इसके पहले ये वाला दे देते, मतलब सेक्शन वन के अंदर जो आउल नैब है वो डिस्प्ले नन नहीं दिखाएगा, एंड दूसरा दूसरा डॉट आउल डॉट डिस्प्ले टेक्स लाइन लेफ्ट देखते हैं, कॉपी रीलोड आ गया देखिए लेफ्ट में। अभी इसके स्टाइलिंग करना है मुझे, क्या करना है स्टाइलिंग करना है ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको कॉपी जो स्पेन है का विथ थोड़ा पहले कलर करेंगे व्हाइट पूरा व्हाइट ओके, थोड़ा विथ बढ़ाएंगे 100 आसी ठीक है आसी सी, एंड हाइट कम आएंगे थोड़ा ठीक है, एंड जो हमारा कहाँ गया रेडियस करेंगे 0, तो ये आ गया हमारा, तो इसको हम कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर दिया तो इसके पहले जो डॉट्स स्पेंड ओके देन सेव एंड रिफ्रेश एंड उसको को इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा सॉरी इम्पोर्टेंट कॉपी कर सब में दे दिए, जो जो वैल्यू हमने चेंज किया उसको उसका वैल्यू पे हमने देना है ठीक है, देन सेव अभी रिफ्रेश हाँ आप देख सकते हैं आ गया। तो और एक बात है इसका हमको थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा ये बॉक्स भी, ये यहाँ पे देखिए बीच में बहुत गैप है ठीक है, तो हमको नीचे चाहिए थोड़ा फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, फॉन्ट साइज हमारा बहुत बड़ा हो गया लगता है, नहीं ठीक है फॉन्ट साइज ठीक है ठीक लग रहा है मुझे, इसको नीचे देना पड़ेगा तो हम नीचे देंगे इसको डॉट्स को नीचे देंगे मार्जिंग टॉप टॉप 10 पिक्सल पैडिंग टॉप 40 पिक्सल ठीक है चलिए अभी उससे काम चल जाएगा। जो एक्टिव वाला है उसका रेड होगा, एक्टिव कौन सा है ये वाला चलेगा फिर से जो एक्टिव 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 जो एक्टिव आ रहा है ना इसको चाहिए हमको कलर देंगे हम, कौन सा कलर एक्टिव का कलर था यहाँ पे
तो ये मेरा एक्टिव कलर भी आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट पेज हो गया मेरा लगभग, और क्या है देख रहता हूँ। हाँ, इसको बड़ा करना पड़ेगा हमको। तो हमको देखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम ये वाला कर लेते पहले, और ये वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो आज इतना तक रहने देते हैं, बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी कर लेंगे। बहुत बड़ा हो गया, तो हम आप देख लीजिए कैसे कैसे कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, नेक्स्ट वीडियो में आप कर देंगे बाकी। हमने बनाया देख ले, देख सकते हैं ये वाला बनाया, ठीक है। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे। सब ने लिखना पड़ेगा। तो चलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, एंड मेरा फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।